जेनेटिक्स। अब देखो जेनेटिक्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ना। तो जो पहला चैप्टर है आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड वेरिएशन नीट में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि डिसऑर्डर नहीं यार, ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे डिसऑर्डर सही हो जाए। रीजन क्या होता है ना कि डिसऑर्डर तभी पैदा हो जाते हैं, जैसे ये एग हो गया है ना और ये स्पर्म हो गया। अब तुम समझो बात को, तो अभी क्या है कि ये जो एग है ना, इसके अंदर जब एग का फॉर्मेशन हुआ था तो कायदे से होना क्या चाहिए था कि एक्स एक्स दो क्रोमोसोम थे, मियोसिस होनी चाहिए और एक यहाँ पे एक ही एक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, दो क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाए। तो कायदे से एग के अंदर एक्स इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि एग के अंदर 23 + 23 क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम इस 23 में लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है, समझना बात को, ट्रिप्लॉइड तो खैर नहीं हो सकता है, पूरे क्रोमोसोम अलग हुए और अलग होने में क्या हुआ कि ऑटोसोम तो 22 ही रह गए, 22 प्लस एक्स और वाई आपस में अलग नहीं हुए। तो एग के अंदर एक्स प्लस वाई थे, स्पर्म नॉर्मल है ना, ये वाई है ठीक है। अब सॉरी, एग के अंदर एक्स वाई नहीं हो सकते, एक्स एक्स होंगे ठीक है। तो ये एक्स एक्स कायदे से यहाँ पे अलग हो जाना चाहिए थे 23 23 में, रादर देन 23 23 कहने से अच्छा है ठीक है। इस 23 में एक्स वाई यहाँ पे अलग हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्स वाई अलग नहीं हुए। जब एक्स वाई अलग नहीं हुए और स्पर्म फ्यूज कर गया, तो अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 22 + XXY, इसको हम सुपर मेल बोलेंगे। अब इसके अंदर फीमेल के करेक्टरिस्टिक, ये होगा तो मेल लेकिन फीमेल के करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। तो जाइगोट के टाइम पे ही डिसऑर्डर डेवलप हो गए। अब ये जितनी सारी सेल डिवाइड होंगी सब सेल में डिसऑर्डर होगा, हर सेल में डिसऑर्डर होता है, इसीलिए डिसऑर्डर को सही नहीं किया जा सकता। डिसऑर्डर को सही किया जा सकता है अयान सिर्फ इसी लेवल पे, किस लेवल पे, एग के लेवल पे, स्पर्म के लेवल पे या जाइगोट के लेवल पे, यहीं पे। और बायोटेक्नोलॉजी यही है, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे इसको सही किया जा सकता है स्टार्टिंग पे, लेकिन उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सही कर पाना, और वैसे डिसऑर्डर पॉसिबल नहीं सही कर पाना। ठीक, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स बताता हूँ कि मेंडेलियन जेनेटिक्स है क्या चीज है ना, और फिर क्रॉसेस क्या है, क्रॉस F1 क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड लॉज क्या है ना, क्या मेंडल के लॉज है। तो सबसे पहली बात आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल एक प्रीस्ट थे है ना, तो वैसे इनका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। तो मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल, ही वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मेंडल साहब जो थे ना ये काफी पहले पैदा हुए। तो मेंडल साहब एक प्रीस्ट थे, और प्रीस्ट होने के पहले ये क्या थे, मेंडल के बारे में कुछ बता दूं, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे।
तो आप, इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, और ये ऑस्ट्रिया में फिर पैदा हुए, और उसके बाद वहां से एक चर्च में पहुंच गए और चर्च में पादरी बन गए। इसके पहले मैथ्स के टीचर थे एक्चुअली। तो मेंडल वाज ए मैथमेटिशियन, ही वाज ए मैथ्स टीचर, ही वाज नॉट ए बायोलॉजी डिसाइपल। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट थे ही नहीं, पहली बात तो आपको ये बता दूं। मेंडल मैथ्स टीचर थे, इन्होंने एक गार्डन पी में, है ना, गार्डन पी, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने कुछ अपने कंक्लूजन लिखे और एक रिसर्च पेपर निकाला। रिसर्च पेपर में मेंडल ने अपनी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन मेंडल के टाइम पे मेंडल की जो रिसर्च पेपर थी उस पे किसी भी बंदे ने ध्यान नहीं दिया, उस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और ग्रेगर जन जॉन मेंडल को किसी ने भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। रीजन ये था, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। ऐसा माना जाता है कि एक तो मेंडल थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि जो मेंडल साहब थे वो मैथ्स के टीचर थे, है ना, और ग्रेगर जॉन मेंडल एक बायोलॉजिस्ट नहीं थे, तो उनको अपनी चीजों में कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि ही वॉज ए वेरी नाइव काइंड ऑफ पर्सन। और रीजन, एक्चुअल रीजन क्या था, जो कि लोगों का मानना है कि मेंडल ने जिस समय पेपर प्रेजेंट किया, अप्रोक्सीमेटली 1843 के आसपास, है ना, तो रिसर्च पेपर इनका 1843 के आसपास रिसर्च पेपर आया। ये जो जमाना था, ये जो समय था, इट वॉज डोमिनेटेड बाय, दिस टाइम वॉज डोमिनेटेड बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट, एंड ही वॉज नो अदर देन बट डार्विन। तो डार्विन का इतना चार्म था कि डार्विन की थ्योरी के आगे किसी भी तरह की किसी थ्योरी को कोई सुनने के लिए नहीं तैयार। अब क्या हुआ, मेंडल की 1884 में डेथ हो गई, डेमाइस ऑफ मेंडल। तो मेंडल साहब ही पास्ड अवे इन 1884। 84 में डेथ हो जाने के बाद अब आया मेंडल का जो रिसर्च पेपर था। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये कहानी नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल ने, आपको कमाल की बात बताऊं, कि कुछ लॉस दिए। तो आप ये मुझे बताओ कि मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे, कौन बताएगा, बताइए मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, तो बता सकता है। थ्री लॉज, ये दोनों ऐसा और दूसरी वाली ऐसा, आप भी बताओ। मेंडल ने थ्री लॉ दिए, द्रक्षा बताओ मेंडल ने कितने लॉ दिए थे। पाकिया बताइए भाई। अच्छा, जीशान का कहना है दो ही दिए थे, ठीक है, फोर, जिसमें थ्री लॉ बनाए गए, ओके। दूसरी वाली ऐसा का कहना है चार दिए थे जिसमें तीन लॉ बनाए गए। आपकी काफी हद तक बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कमाल की बात, आप सब लोगों को बताऊं कि नो वन इज करेक्ट। आयान, अच्छा, आयान, सॉरी, आयान, आयान का कहना है कि फोर्थ ना। हाँ आयान, काफी क्लोज आप पहुंच गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी सही, नो बडी इज करेक्ट। मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया था, मेंडल डिड नॉट गिव इन एनी सिंगल लॉ ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साहब ने सिर्फ रिसर्च पेपर पब्लिश किया। मैंने आपसे बोला था ना कि आप तभी समझिए कि दिस इज नॉट ए स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। देखिए, मेंडल के डिमाइस के बाद तीन साइंटिस्ट आए। 1900 में, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, 1900 में तीन साइंटिस्ट, टेशमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। 1900 में थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट, चश्मार्क, ह्यूगो डिवरीज
तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, तीनों अलग अलग कंट्री से थे। और कार्ल कोरेंस, इन तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल की थ्योरी को पढ़ा, उसके रिसर्च पेपर को पढ़ा। और जब इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने बोला यार, और इन्होंने उसको दोबारा से रीचेक किया कि मेंडल साहब कह क्या रहे थे। तब इन्होंने सोचा कि यार मेंडल तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, और इन्होंने फिर मेंडल के जो रिसर्च पेपर थे उनको पढ़ा, उसको कंक्लूड किया, उसके कंक्लूजन के बेसिस पे इन्होंने मेंडल के लॉ बनाए, दे गिवन मेंडल्स लॉ। सो नो डाउट मेंडल के रिसर्च पेपर से ही लॉ बनाए गए, लॉस तो मेंडल के ही हैं, लेकिन मेंडल ने कोई लॉ खुद में नहीं किया, मेंडल ने कोई लॉ नहीं किया। रिसर्च पेपर मेंडल का था, मेंडल ने रिसर्च किया, फाइंडिंग्स किया और उसको कंक्लूड किया, लेकिन उन्होंने लॉ जैसी कोई चीज नहीं। बाद में मेंडल्स के रिसर्च पेपर को लॉस में कन्वर्ट करने का क्रेडिट टशमार्क को, ह्यूगो डिब्रीज को और कॉल कोरेंस को जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा मेंडल ने लॉस दिए। अब मेंडल ने, कमाल की बात, मेंडल ने तीन लॉ नहीं दिए थे, मेंडल ने चार लॉ। मेंडल का जो लॉस था, लॉस ऑफ मेंडल, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, दूसरा जो मेंडल का लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो फोर्थ लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आ जाते हैं, ये जो ऊपर का मेंडल के लॉस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ कैरेक्टर, ये मेंडल के कौन से क्रॉस से प्रूव होते हैं, और नीचे के जो लॉस हैं ये मेंडल के कौन से क्रॉस प्रूव होते हैं। तो मेंडल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये प्रूव करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टर। दूसरे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर प्रूव्ड बाय डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस से प्रूव। सो दिस वाज अबाउट द, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये बात भी समझते हैं। अलील क्या है, एलिलोमॉर्फ क्या है, ये बहुत बेसिक बातें हैं जेनेटिक्स में, आप नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग। अब आ जाते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो देखिए क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब हम कभी भी, मोनो माने सिंगल होता है, हाइब्रिड क्रॉस, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक है सर, मैं लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जैसे हमने एक मेल ले लिया और एक फीमेल ले लिया, मेल और फीमेल में दोनों में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट लिया, दोनों के क्रॉस पे एक कैरेक्टरिस्टिक, वी हैव टेकन सिंगल कैरेक्टर।
जैसे हमने एक प्लांट मेल लिया और एक प्लांट फीमेल लिया, हम दोनों में हाइट देख रहे हैं, तो हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया हाइट। हाइट मतलब एक शॉर्ट एक टॉल, तो हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर किसी भी क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टरिस्टिक हमने दूसरा फिर से क्रॉस करवाया, सेकंड क्रॉस करवाया, उसमें भी एक ही कैरेक्टर को लिया है ना, फ्लावर कलर, ठीक तो हमने दूसरा वाला क्रॉस कराया, सेकंड क्रॉस कराया, इसमें भी एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया, जैसे कि कलर और फ्लावर, यहाँ पे भी हमें एक ही एक कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। एक क्रॉस जब कराएंगे और एक क्रॉस में एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, तो हमने देख लिया व्हाइट और पिंक फ्लावर के कलर ले लिए। तो नोट करेंगे ड्यूरिंग क्रॉस व्हेन वी टेक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इन वन क्रॉस, व्हेन वी टेक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इन वन क्रॉस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जैसे कि हमने क्या किया कि एक पी प्लांट किया, गार्डन पी कौन सा होता है, पाइसम सटाइवम। हम जो खाते हैं वो कौन सा है, ठीक है वेरी गुड आयशा। अच्छा हम जो खाते हैं वो, अच्छा वो पाइसम सटाइवम पक्का, हम जो खाते हैं वो गार्डन पी नहीं है क्या, है स्वीट पी, ये पाइसम सटाइवम नहीं, अपन जो खाते हैं स्वीट पीस लथाइरस ओडोरेटस। तो आप जो मटर खाते हैं मेंडल ने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, दैट इज लथाइरस ओडोरेटस। मेंडल ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज स्वीट पी, पाइसम सटाइवम। ठीक है तो देखिए समझिए बात, अब सपोज दैट हमने कोई पी का प्लांट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हमने एक प्लांट ले लिया क्रॉस करवा, टॉल प्लांट डिप्लॉयड है तो दो जीन पाए जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल, दूसरा शॉर्ट प्लांट ले लिया स्मॉल टी स्मॉल टी, हमने इनका क्रॉस करवा दिया, हमने क्रॉस कराया। तो जब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको पकड़ेंगे और इस दूसरे वाले से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको पकड़ेंगे और इस वाले से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको पकड़ेंगे और इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल। और हमने देखा सभी प्लांट क्या है, ऑल टॉल। हमने यहां पर एक दो इस क्रॉस में एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लिया, वो क्या था, दैट कैरेक्टरिस्टिक वाज हाइट ऑफ प्लांट। तो हम इस तरह के क्रॉस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हियर वी टेक इन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है,
अब आ जाते हैं डाइहाइड्रेट क्रॉस में. व्हाट इज डाइहाइड्रेट क्रॉस? लिखना है मतलब ऑब्वियसली लिखना है, बिल्कुल लिखना है. मैं जो हर चीज दिखा रहा हूं बोर्ड पे आपको लिखना है. यू हैव टू राइट इट डाउन एवरीथिंग. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सब लिखना है और आपको पता होना चाहिए. ये नोट करते हो, ये जो मैं लिखवाते आ रहा हूँ ना, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे मैंने आपको बोला, आपको लिखवाया मैंने कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लेना है ना, क्रॉस वेयर वी टेक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. जैसे मैंने आपको स्वीट पी लिखाया, गार्डन पी लिखाया, जो मैं नोट कराता आ रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आप नोट करते. ब्लैंक है स्क्रीन, ब्लैंक आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा, अभी आ रही है स्क्रीन? आ रही है? ओके, ठीक है ठीक है, नोट कर लो. जैसे मैंने आपको दिखाया गार्डन पी को क्या बोलते हैं, स्वीट पी को क्या बोलते हैं ना, मेंडल की लॉस बनाए किसने, जस्ट मार्क ने, ये सब आप नोट कर लो, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे. ठीक है, डन. ओके, हो गया भाई, आगे चलें. ठीक है, आप देखिए, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? जेनेटिक्स में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जेनेटिक्स में टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 मार्क्स का वेटेज है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, चैप्टर की फर्स्ट स्लाइड दिखाना. अच्छा, फर्स्ट स्लाइड चैप्टर की दिस, अगर आपकी जेनेटिक्स में अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप जेनेटिक्स का क्वेश्चन सही नहीं कर सकते. और जेनेटिक्स का वेटेज 80 मार्क्स का है नीट में. 720 नंबर में आपके 80 नंबर है जेनेटिक्स के, 100%. और सबसे ज्यादा जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है, और 100% आना ही आना है. और जेनेटिक्स में मेंडेलियन, आप यहाँ पे फंसोगे, आपको लगता होगा कि मेंडेलियन में, आप मेंडेलियन में ही फंसोगे. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बहुत इजी पार्ट, इट्स वेरी, दैट इज केक वॉक इन कंपैरिजन टू मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, डन. ओके, तो देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है. यहां पर मैंने एक मेल प्लांट लिया और दूसरा मैंने फीमेल प्लांट लिया. अब जो मेल प्लांट है, साउंड नहीं आ रहा है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं. वीडियो मैं इसीलिए ऑफ कर रखता हूं कि डेटा यूजेज आपका कम हो जाता है, साउंड आपको. अभी आ रही होगी आपको, है ना, मेल में. अब हमने क्या लिया यहां पर, एक तो लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट. वीडियो इसीलिए मैं ऑफ कर देता हूं. यहां पे मेल जो है टॉल है, ठीक है ना, टॉल विद रेड फ्लावर. ठीक है, एक मेल प्लांट है जो कि टॉल प्लांट है ना, और रेड फ्लावर है. तो मैं कहूंगा इसके जीनोटाइप, इसके जीन्स क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल आर कैपिटल आर. फीमेल प्लांट जो है ये शॉर्ट है,
और इसके जो फ्लावर हैं वो व्हाइट फ्लावर है, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां पर हमने दो करेक्टरिस्टिक लिया, तो वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक थे? पहली करेक्टरिस्टिक है हाई एंड सेकेंड करेक्टरिस्टिक है फ्लावर कलर। ऐसे प्लांट जहां पर हम दो करेक्टरिस्टिक, जब हम किसी क्रॉस में दो करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो नोट करेंगे, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस वी टेक, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस वी टेक टू करेक्टरिस्टिक। नॉर्मली क्रॉस हम लोग जो करवाते हैं वो ट्राइहाइब्रिड तक होते हैं। इन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस वी टेक थ्री कैरेक्टरिस्टिक, हाइट भी ले लिया हमने फर्स्ट, सेकेंड ले लिया फ्लावर कलर ले लिया, और तीसरा हमने ले लिया शेप ऑफ सीड। ठीक है, फ्लावर का कलर तो आपने देख लिया, हाइट देख लिया, शेप ऑफ सीड राउंड बिल्कुल गोल एक सीट होगा और दूसरा रिंकल्ड, रिंकल्ड। तो हमने तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक ले लिए, तो इसको हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे। जो हम तीन कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं उसको हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं कहते हैं, जो हम दो कैरेक्टरिस्टिक लेते रहते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो उसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। Done. Can somebody tell me what is reciprocal cross? What is reciprocal cross? नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था भाई, और साथ में आप मुझे बताइए व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस, ये भी बताओ। डन, ठीक है। प्रोजेनी एंड पेरेंट का क्रॉस? नहीं आशा, वो प्रोजेनी और पेरेंट का क्रॉस तो वो बैक क्रॉस होगा, उसको हम बैक क्रॉस बोलेंगे। पूरी जेनेटिक्स आपकी टर्मिनोलॉजी से भरी हुई है, अगर आपकी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में देखो आप समझो, इसीलिए मैं बोला पूरा जेनेटिक्स कितना टर्मिनोलॉजी रेसिप्रोकल क्रॉस पे आ जाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, पहले मैंने क्या किया, एक मेल लिया और फिर दूसरा एक फीमेल लिया। मैंने क्या किया, पहले मेल टॉल लिया और फीमेल शॉर्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको क्रॉस करा दिया। ये पहला क्रॉस था। दूसरा क्रॉस मैंने फिर से कराया, इसके रिजल्ट देखे, और दूसरा क्रॉस में मैंने क्या किया कि फिर से मेल और फीमेल लिया और इनके बीच में क्रॉस कराया, लेकिन यहां पे मेल शॉर्ट है और फीमेल टॉल है। सो इस तरह के क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, व्हेन वी एक्सचेंज द कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोसेस, व्हेन वी एक्सचेंज कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोसेस, दीज क्रॉसेस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस।
when we exchange characteristic when we exchange characteristic in clauses, we call these clauses reciprocal clause. What are the factor of Mendel? Factor क्या चीज है Mendel का? Mendel ने बहुत बार factor use किया. Mendel ने कहा कि there are factors, they are physical unit, they goes from one generation to another and brings down characteristic. ये Mendel की definition. So what are the factor? मेंडल के टाइम में जीन्स को के बारे में कुछ नहीं पता था, ना तो जीन्स टर्म आया था, ना जीन्स खोजे गए थे, ना ही क्रोमोसोम खोजा गया था. ठीक है, राइट रक्षा. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को जीन्स को ही मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर. ठीक है, तो नोट करेंगे. एट द टाइम ऑफ मेंडल genes were not discovered. At the time of Mendel, genes were not discovered. He called these genes factor. He called these genes factor. At the time of Mendel, genes were not discovered. He called these genes factor. According to him, factors are physical unit. Which takes characteristic from one generation to another. Full stop. So that's it for the day. बाकी next class में इसके आगे genetics पढ़ेंगे. So मिलते हैं next class में. See you guys.